आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2NP6 होता है, यानी कि फुल फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इनके इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं ये अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये अनरिएक्टिव होते हैं। अब हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर इसमें से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कि अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड करें तो वो थोड़े बहुत कंपाउंड बना लेते हैं। बाकी बेसिकली अगर देखा जाए, नेचुरली देखा जाए कंपाउंड बनाने की बात, तो ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब आगे की बात समझिए कि जो आपका हीलियम, नियॉन और आर्गन है, ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं कि इनका एक भी कंपाउंड अभी तक नहीं बना है, मतलब इसका एक भी कंपाउंड अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके पीछे रीजन यही है, इनका फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अब आगे की बात समझिए, क्रिप्टन की अगर हम बात करें तो क्रिप्टन का अभी तक में सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाया गया है, वो है आपका KrF2। तो क्रिप्टन का भी सिर्फ एक ही कंपाउंड है। हाँ, यहाँ पर ज़ीनॉन ऐसा है कि जिसके कई सारे कंपाउंड्स अभी तक लैब में बनाए जा चुके हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को प्रोवाइड करके, जैसे कि आपका ज़ीनॉन का फ्लोराइड हो गया, ज़ीनॉन का ऑक्साइड्स हो गया और ज़ीनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड्स हो गए, ठीक है। तो जो भी इस फैमिली में जो भी एलिमेंट्स बनाए गए हैं, जो भी मतलब कंपाउंड बनाए गए हैं, वो आपके सिर्फ इसी एलिमेंट का है, बाकी का तो नहीं है। जैसे कि आप अगर क्रोमियम की बात करें तो इसका तो एक ही कंपाउंड है और बाकी के तो है ही नहीं। अब अगर हम इसकी बात करें लास्ट वाले की, रेडॉन की, जो कि आपका रेडियो एक्टिव है, तो हाँ इसके कुछ रेडियो मतलब कि जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक होता है उसका यूज करके इसके कुछ कंपाउंड्स को देखा गया है, बट उसे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ मतलब टेक्निक का यूज करके, रेडियो ट्रेसर टेक्निक का यूज करके देखा तो गया है कि हाँ इसके थोड़े बहुत कुछ कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, बट हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी की बात की जाए इस फैमिली में, तो आपका सिर्फ ज़ीनॉन ही है जो तीन डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स को बनाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें मतलब कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें जो भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है वो ज़ीनॉन के ही कंपाउंड्स को पढ़नी है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स, ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स और ज़ीनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड्स के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को एक एक करके डिस्कस करना है। तो सबसे पहला मैं जो ज़ीनॉन का कंपाउंड ले रही हूँ वो है आपका ज़ीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स में ज़ीनॉन का फ्लोराइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन में समझिएगा, जो आपके ज़ीनॉन होते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि जो आपका ज़ीनॉन होता है ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके थ्री टाइप्स का बाइनरी फ्लोराइड्स बनाता है। पहले तीनों का नाम बता देती हूँ मैं, कौन कौन सा बनाता है, ज़ीनॉन का डाई फ्लोराइड, ज़ीनॉन का टेट्रा फ्लोराइड और ज़ीनॉन का हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है। ये ज़ीनॉन के तीन तरह के जो आपके बाइनरी फ्लोराइड्स बनते हैं। अब इनको बनाने का प्रिपरेशन मेथड क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो तरीका बहुत सिंपल है, देखिए। अब अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों है क्या, तीनों है तो ज़ीनॉन का बाइनरी फ्लोराइड ही तो बनेगा, ज़ीनॉन और फ्लोरीन के रिएक्शन से ही। बस फर्क कहाँ पर होता है, फर्क होता है इनके अमाउंट पे कि कितना हमें अमाउंट लेना है, इनके कम्पोजिशन पे फर्क इनके अमाउंट पे होता है और रिएक्शन कंडीशन पर होता है। जैसे कि अगर हम क्या करें कि ज़ीनॉन और फ्लोरीन का जब रिएक्शन कराएं तो ज़ीनॉन को अगर एक्सेस में ले लिया जाए और टेम्परेचर रखा जाए 672 केल्विन एंड प्रेशर रखा जाए 1 bar, तो आपका ज़ीनॉन डाई फ्लोराइड बन जाता है। वहीं अगर आप क्या करते हो कि ज़ीनॉन और फ्लोरीन को 1:5 के रेशियो में लेते हो और टेम्परेचर आप रखते हो 873 केल्विन एंड प्रेशर आप रखते हो 7 bar, तो आपका ज़ीनॉन का टेट्रा फ्लोराइड बन जाता है। और वहीं अगर आप क्या करते हो, ज़ीनॉन और फ्लोरीन को 1:20 के रेशियो में लेते हो और आप इस तरह का स्पेसिफिक कंडीशन रखते हो, मतलब कि 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 60-70 bar प्रेशर, तो आपका ज़ीनॉन का हेक्सा फ्लोराइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ज़ीनॉन के जो तीन तरह के फ्लोराइड्स होते हैं उनका प्रिपरेशन आपने देख लिया है। अब एक चीज मैं आपको इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड एक नोट पॉइंट बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आप चाहो तो ज़ीनॉन के टेट्रा फ्लोराइड से ज़ीनॉन का हेक्सा फ्लोराइड भी बना सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना होता है
ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन कराना होता है किसके साथ, O2F2 के साथ, यानी कि फ्लोरीन परऑक्साइड के साथ। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखना है, स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना रखना है, 143 केल्विन। तो जैसे कि फॉर्मेशन किसका हो जाता है, ज़ीनॉन के हेक्साफ्लोराइड, यानी कि ज़ीनॉन के एक कंपाउंड को आप ज़ीनॉन के दूसरे कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ज़ीनॉन के फ्लोराइड का प्रिपरेशन कम्प्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग ज़ीनॉन के फ्लोराइड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपके ये ज़ीनॉन के तीनों फ्लोराइड्स होते हैं, ये आपके कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग ज़ीनॉन फ्लोराइड्स का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये वाटर में तुरंत हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने यहाँ पे ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराया तो हमें मिला ज़ीनॉन हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। उसी तरह से आपने जब ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराया तो क्या बनता है, ज़ीनॉन ट्राई ऑक्साइड, ज़ीनॉन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह से जब हम लोग ज़ीनॉन के हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है ज़ीनॉन ट्राई ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग ज़ीनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन किसी फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है कैटायनिक कंपाउंड का, यानी कि ज़ीनॉन फ्लोराइड जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक कैटायनिक स्पीसीज में। इसी तरह से जब हम लोग ज़ीनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन किसी किसके साथ कराते हैं, फ्लोराइड डोनर के साथ कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है आयनिक मतलब एनायनिक स्पीसीज का। देखिए इस चीज को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए जो आपका ये PF5 और SBF5 होता है, ये नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के फ्लोराइड्स हैं। फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ये दोनों जो है आपके, ये क्या है, फ्लोराइड एक्सेप्टर, मतलब इनमें एबिलिटी होती है एक F- आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ये जो आपका PF5 होता है इसपे क्या एबिलिटी होती है, F- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इस F- जब इसमें जुड़ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका PF6- में, ठीक। इसी तरह से आपका SBF5 भी है, इसपे भी क्या टेंडेंसी होती है, F- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और किसका फॉर्मेशन करता है ये, SBF6- का, ठीक है। तो पहले मैं आपको इस कंपाउंड के बारे में बता रही थी कि ये दोनों आपके क्या होते हैं, फ्लोराइड एक्सेप्टर होते हैं, ठीक। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि जब भी हम लोग ज़ीनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन किसी फ्लोराइड एक्सेप्टर के साथ कराते हैं तो ये कैटायनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, जब इन फ्लोराइड एक्सेप्टर का रिएक्शन हमने ज़ीनॉन फ्लोराइड के साथ कराया तो ज़ीनॉन फ्लोराइड आपका कन्वर्ट हो गया इस कैटायनिक कंपाउंड में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि होता क्या है, इसके पास एबिलिटी F- आयन को अट्रैक्ट करने की। तो जैसे ही आपने इसका रिएक्शन ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के साथ कराया, इसने इसका एक F- अपनी तरफ खींच लिया, ये खुद तो कन्वर्ट हो गया PF6- में। अब यहाँ से F- आयन के बाहर होने की वजह से, निकल जाने की वजह से इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कैटायन में। सेम यही चीज यहाँ पे भी है, जैसा कि कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये क्या है, फ्लोराइड एक्सेप्टर है, इसने यहाँ से F- आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कैटायन में, HCF3+ में। इसी तरह से देखिए जब हम इसका रिएक्शन किसी फ्लोराइड डोनर के साथ कराते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनायनिक कंपाउंड में। अब जैसे जो मेटल के फ्लोराइड्स हैं, जैसे सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रूबीडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, ये सब जो मेटालिक फ्लोराइड है, ये सब क्या होते हैं, फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव करते हैं, इनमें एबिलिटी होती है F- आयन को देने की। तो जब भी हम लोग ज़ीनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड के साथ कराते हैं जो कि आपका फ्लोराइड डोनर हो तो ये क्या बनाता है, एनायनिक कंपाउंड बनाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने इसका मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो मेटल फ्लोराइड ने यहाँ से अपना एक F- रिलीज किया, ये F- इसने एक्सेप्ट करके HCF6 से ये HCF7- में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसने एनायनिक कंपाउंड बना लिया, और इन दोनों ने क्या बनाया था, कैटायनिक कंपाउंड बना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ज़ीनॉन के फ्लोराइड का प्रॉपर्टीज कम्प्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग ज़ीनॉन के फ्लोराइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के स्ट्रक्चर को। देखिए अगर हम लोग ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के शेप को देखें तो इसका शेप होता है आपका लीनियर। अब अगर इसमें हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स और लोन पेयर्स की बात करें तो यहाँ पे आपके देखिए दो बॉन्ड होते हैं और तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स की बात हो गई। उसके अलावा अब हम लोग इस पे देख लेते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
जैसे अगर हम लोग जीनॉन की बात करें तो जीनॉन में क्या होता है, जीनॉन में वैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH3NP6, यानी कि इसके पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। और अगर वही हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7, है ना। लास्ट में इसका वैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP5, यानी कि इसमें क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसके पास क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसे अपने ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, है ना। इसे सिर्फ क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। और वहीं अगर हम जीनॉन की बात करें तो जीनॉन का तो पहले से ही ऑक्टेट कम्प्लीट है, तो इसे तो कोई मतलब इसका तो ऑक्टेट कम्प्लीट है, तो इसे तो कंपाउंड इसे तो कोई रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले से ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने ये किया है कि हम लोगों ने स्पेशल रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करके जीनॉन के फ्लोराइड्स को बनाया है। तो अब जब हम लोगों ने जीनॉन के फ्लोराइड्स को बनाया स्पेशल रिएक्शन कंडीशन को प्रोवाइड करके, तो उस दौरान इसने कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया फ्लोरीन के साथ, ये देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लोरीन था, है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 फ्लोरीन थे, तो यहाँ पे इसने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन में से फ्लोरीन को सिर्फ 1 एक यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब फ्लोरीन को क्या है, 1 फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो इसे अपने ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, है ना। तो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करना चाहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ टोटल 2 फ्लोरीन थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के साथ शेयर हो गया, है ना। और बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लिए, है ना। और जो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आपके 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड के स्ट्रक्चर की। तो जीनॉन टेट्रा फ्लोराइड का पहले शेप देख लेते हैं। शेप इसका होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अब हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स की और लोन पेयर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके बॉन्ड्स जो है यहाँ पे टोटल 4 होते हैं और लोन पेयर्स इसमें कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात करें तो सेम चीज है कि जैसा कि यहाँ पे 4 फ्लोरीन है और 1 फ्लोरीन को क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, है ना। तो टोटल 4 फ्लोरीन है तो क्या होगा, सारे फ्लोरीन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे। अब 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ शेयर हो गए, अब बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन है किस फॉर्म में प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, है ना। 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड के, जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड के स्ट्रक्चर की। तो पहले मैं इसका शेप बता दूं, इसका शेप होता है आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स और लोन पेयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स टोटल यहाँ पे क्या है, 6 है और लोन पेयर केवल 1 है। अब देखिए कैसे है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की अगर बात करें तो कैसे है, देखिए सेम चीज है, टोटल यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ शेयर हो गए, है ना, 6 बॉन्ड्स बन गए। अब 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लोरीन के साथ शेयर हो गया, 6 बॉन्ड में 6 बॉन्ड्स को बनाने में यूज हो गया, और बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में आपका, एज अ लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे फाइनली इसको क्या शेप मिला, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज 6 बॉन्ड पेयर प्लस 6 बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो किस तरह का शेप मिल गया इसको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जीनॉन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो गया। चलिए अब आगे की बात करते हैं, जीनॉन के फर्स्ट कंपाउंड यानी कि जीनॉन फ्लोराइड के हम लोगों ने प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को डिस्कस कर ही लिया है। चलिए अब हम लोग जीनॉन के सेकंड कंपाउंड यानी कि ऑक्सी फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन की बात करते हैं। अब देखिए ऑक्सी फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन में आपके सिलेबस में सिर्फ 2 चीजें दी गई है, इसका प्रिपरेशन और एक ऑक्सी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं एक एक करके दोनों चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हम लोग प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑक्सी फ्लोराइड के प्रिपरेशन की बात करें तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जब भी हम लोग करते क्या है, जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड, जो आपका जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड है, जब भी हम लोग जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है जीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड में। जैसे कि इस रिएक्शन को देखिए, हुआ क्या कि हमने HCF6 को क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड में। मतलब यहां से 2 फ्लोरीन जो है वो रिप्लेस हो गए किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, है ना। ऑक्सीजन ने यहाँ से 2 फ्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और खुद आ गए, ठीक है। इसी तरह से जीनॉन का दूसरा जो ऑक्सी फ्लोराइड है वो आपका होता है XeOF2। तो अब देखिए अगर ऐसा हो जाए कि जीनॉन के जो हेक्सा फ्लोराइड है उसके एक मॉलिक्यूल में वाटर का 2 मॉलिक्यूल अटैक कर दे तो ये सेकेंड वाला बन जाएगा XeO2F2 बन जाएगा, ठीक है। तो जीनॉन के 2 ऑक्सी फ्लोराइड्स बनते हैं, कैसे बनते हैं,
जब हम लोग ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रिपरेशन है, जस्ट वाटर से रिएक्शन कराया गया है बस, है ना। चलिए अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको XeOF4 के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले मैं शेप बता देती हूँ, उसका शेप क्या, इस तरह के शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल शेप। अब अगर यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बारे में बताऊँ यहाँ पे, या फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बारे में बताऊँ, पहले बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात बता देती हूँ। खैर इस पे तो एक्सप्लेन करना नहीं है, वो स्ट्रक्चर से देख के पता चल रहा है कितने बॉन्ड्स है कितने लोन पेयर है। मैं सीधे यहाँ पर किसमें आ जाती हूँ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में आ जाती हूँ। ठीक है, कि कैसे शेयरिंग हुई है, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है ज़ीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 में से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए है ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्लोरीन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे बचा है वो किस फॉर्म में बचा है, एज ए लोन पेयर यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका ये ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है, अगर हम लोग इसकी बात करें थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें, तो ये आपका कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है ना। इसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में होता है और ये कलरलेस होता है, फिजिकल स्टेट यानी कि लिक्विड है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ज़ीनॉन के तीसरे कंपाउंड में। ये सेकेंड कंपाउंड हो गया, अब आपका हो गया थर्ड कंपाउंड। तो थर्ड कंपाउंड यानी कि थर्ड कंपाउंड है आपका ज़ीनॉन का ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन। तो इसका सिर्फ आपको प्रिपरेशन पढ़ना है, और इसका प्रिपरेशन बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे अब देखिए ज़ीनॉन का ऑक्साइड बनता कैसे, जब भी हम लोग करते क्या है, ज़ीनॉन फ्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, तो फ्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, यानी कि ये जो फ्लोरीन है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जा रहा है, ऑक्सीजन के द्वारा। ये देखिए, जब आपने XeF4 ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराया, तो आपका फॉर्मेशन हो गया ज़ीनॉन ऑक्साइड का, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड। इसी तरह से ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड का रिएक्शन भी जब वाटर के साथ कराया जाता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड, यानी कि ज़ीनॉन के ऑक्साइड वाले कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स कम्प्लीट हो गया है। अब अगर यहाँ पे आप लोग बुक में देखेंगे, तो इस मतलब ग्रुप 18 एलिमेंट्स में अब आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है यूजेस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो वो बहुत ही इजी सा टॉपिक्स है, वहां बहुत ही इजी टॉपिक है। वहां पे सिर्फ आपको यही सब बताया गया कि जैसे हीलियम का यूज बलून को फिल करने में किया जाता है, उसके अलावा ये जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, इनको केमिकल रिएक्शन में इनर्ट एटमोस्फेयर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी यूजेस है, तो वो आप लोग डायरेक्टली बुक से रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ग्रुप 18 एलिमेंट्स में और कोई टॉपिक बचा नहीं है, यहाँ पे हमारा ग्रुप 18 एलिमेंट्स कंप्लीट हो रहा है, इवन पी ब्लॉक भी कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।